देवघर के सदर अस्पताल में आज से शुरू हुआ कोरोना बूस्टर डोज। लोगों में उत्साह, तीसरी डोज लेने में किसी तरह की कोई डर नहीं। देश भर में कोरोना का खतरा लगातार बढ़ता जा रहा है। तीसरी लहर की बात करें तो ओमिक्रॉन के मामलों में लगातार बढ़ोतरी देखने को मिल रही है और कोरोना से बचने के लिए वैक्सीनेशन अनिवार्य है और आज से बूस्टर डोज पड़ना शुरू हो गया। देवघर के सदर अस्पताल में काफी संख्या में लोगों ने आकर अपना बूस्टर डोज लगवा रहा है और लोगों ने बताया कि किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं है। सभी लोगों से अपील करते हैं कि जो नहीं लिए है वो आकर आसानी से लगवा सकते हैं। आज से हेल्थ केयर वर्कर्स और 60 उम्र वाले को वैक्सीन की तीसरी डोज देनी शुरू हो गई है। बूस्टर डोज लेने वाले को वही वैक्सीन दी जा रही है जिसकी पहली दो खुराक उन्हें मिल चुकी है। मतलब अगर आपको कोविशील्ड वैक्सीन की दोनों डोज लगी है तो बूस्टर भी कोविशील्ड की ही लगने वाली है, क्योंकि अभी ओमिक्रॉन का जो इन्फेक्शन है बहुत प्रतिदिन संख्या इसकी बढ़ती जा रही है और उसके साथ साथ डेल्टा वेरिएंट का भी जो है वो प्रकोप हो रहा है। और हमारी सरकार ने आज से 10 जनवरी 2022 से बूस्टर डोज का दिया है और जिसका कि 9 महीने हो गए दोनों डोज लेने के लिए, ये उनके लिए है। मैं सभी लोगों से अपील करता हूं कि ये बूस्टर डोज अवश्य लें और इसी यही एकमात्र उपाय है, वैक्सीनेशन एकमात्र उपाय है कोरोना से बचने। कोई डरने की बात नहीं, कोई डरने की बात नहीं। मेरे बुजुर्ग आदमी सबको आके ले लेना चाहिए और बहुत अच्छा लगा। कोई ये सुई हुई कुछ भा भी नहीं और आराम से ले लिए। पहले भी मैंने ले लिया है। सुरक्षित है ना? हाँ सुरक्षित है, बिल्कुल सुरक्षित है। आपने टीका लिया, आपको किसी प्रकार का कोई दिक्कत कोई कष्ट नहीं? तो लोगों से अपील क्या करेंगे? सबको बोलेंगे जाके ले लीजिए और आगे भी बोलते पीछे भी बोलते आते हैं कि चलिए ले लीजिए जिसको लेना है। क्या सेफ रहिएगा और क्या? क्या शुभ नाम लिखते हो? शुभ नाम देवरानी। एज क्या हुआ? 71। हम तो बूस्टर डोज के बारे में जानकारी मिली उसी दिन से हम लोग जागरूक थे। आज पता चला कि 10 तारीख से मिल रहा है तो आ गए ले लिए और जाने के बाद हम अपने मोहल्ला में ले रहे हैं। इजी वे में हो रहा है, आके लीजिए ताकि आप सुरक्षित रहें। कोई खतरा ऐसे कुछ नहीं? नहीं कोई प्रॉब्लम। क्या शुभ नाम हुआ आपका? निरंजन।